नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे देवरा मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। मूवी को रिलीज हुए 8 दिन हो चुके हैं और कलेक्शन इस मूवी का दिन प्रतिदिन कम होता हुआ नजर आ रहा है। पहले दिन तो इस मूवी ने कई जबरदस्त रिकॉर्ड बना दिए थे, बहुत ही शानदार कमाई की थी, लेकिन उसके बाद ही ये मूवी दिन प्रतिदिन नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। जूनियर एनटीआर की ये मूवी 6 साल के बाद सोलो रिलीज हुई है और इसमें बॉलीवुड से जाह्नवी कपूर और सैफ अली खान भी काम करते हुए नजर आए हैं। मूवी का बजट है 300 करोड़, लेकिन इस मूवी ने अभी तक वर्ल्ड वाइड में 324 करोड़ रुपए की कलेक्शन कर ली है, जो अपने आप में काफी अच्छी बात है, मतलब कि इसने अपना प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया है। वहीं अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में 219 करोड़ रुपए का कलेक्शन इस मूवी का हो चुका है। और वहीं अगर बात करूं D8 की, तो D8 पर इस मूवी ने 4 करोड़ रुपए की सिर्फ कमाई करी है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि मूवी का जो कलेक्शन है वो दिन प्रतिदिन गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि D9 पर यह मूवी कितनी कमाई कर सकती है। जो नंबर्स निकल कर आ रहे हैं वो लगभग यही कह रहे हैं कि 5 से लेकर 6 करोड़ रुपए का कलेक्शन आज के दिन भी इसका हो सकता है। फिर भी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जूनियर एनटीआर की यह मूवी और कितना बिजनेस कर सकती है? जो भी आपकी है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो में नए हैं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।